हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम ग्वालियर से और एक वाटरफॉल पड़ता है सुल्तानगढ़, उस जगह का एक छोटा सा ट्रिप करेंगे। सो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा और जो भी सुल्तानगढ़ है कैसा है, फर्स्ट टाइम है मेरा जाना भी, सो मैं आपको भी वहाँ ले चलता हूँ। और बने रहें पूरी वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये ग्वालियर से अराउंड 70 किलोमीटर दूर है सुल्तानगढ़, जो कि मोहना एक कस्बा है, उस तरफ पड़ता है। JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubb, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now. Movie star money making everybody act out. Hey. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these. So, friends, अभी हम गाड़ी का आ चुके हैं, जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और अभी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे, बट यहाँ पर कुछ खास ढाबा नहीं था। सो हम आगे बढ़ते गए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इस जो ये ट्रिप है हमारा, इसमें हम 6 बाइक, हम 11 लोग हैं और 7 बाइक हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम एक ढाबे पे आ चुके हैं जो मिडवे ट्रिप्स के नाम से है। और ये एक जगह पड़ती है मोहना, उससे अराउंड 3 या 4 किलोमीटर पीछे पड़ता है। सो अभी जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और बड़े भैया हैं, वो अभी जो उनके होटल के मालिक हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ नाश्ते में क्या क्या है। सो फाइनली जो हमने डिसाइडेड किया है वो है कि हम पराठे खाएँगे, आलू के, पनीर के और गोभी प्याज के। तो मैं आपको इसकी मेकिंग दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट्स लिए हैं मेकिंग के, आप देखिए, फिर मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। सो फ्रेंड्स, हमारे पराठे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और उसके साथ में है दही और चाय। बाकी मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। फ़ोटो के लिए खड़े थे और सोचा साथ में कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह भी ले लें। सो मैंने उस टाइम छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। सो दोस्तों, अभी हम नेशनल हाईवे छोड़ चुके हैं और जो सुल्तानगढ़ का रास्ता जाता है वो थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर का उसका कच्चा रास्ता, मतलब कच्चा ट्रैक कह सकते हैं। सो वो है, अभी हम उस पर बाइक चलाते हैं। और लिटरली गई सड़क बहुत बेकार है, सड़क तो कह ही सकते, मतलब जो भी आप इसको कहना चाहें, बिल्कुल बेकार रास्ता, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं बीच में। सो फिर भी मैंने एक वीडियो बनाई है
मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़े बहुत शॉर्ट्स दिखाता हूँ वीडियो के। ओके सो बने रहें वीडियो में। आ चुके हैं हम सुल्तानगढ़, दिखाते हैं आपको क्या सीन है। ये देखिए, ये शायद पार्वती नदी है। आपको वाटरफॉल दिखाते हैं छोटा सा, राइट सामने देख सकते हैं वाटरफॉल, बहुत ऑसम नज़ारा है भाई। और सभी बाइकर्स आते हुए, सभी बाइकर्स आ रहे हैं। एक बाइक आ चुकी है, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ रही है, चौथी इसके पीछे है और आई थिंक तीन बाइक और हैं। सो सारे बाइकर्स आ चुके हैं। Time is barely up. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. देखते हैं कुछ करते हैं। नहाने धोने का प्रोग्राम है, देखेंगे कि भैया क्या प्रोग्राम है। कुछ है प्रोग्राम नहाने धोने का? हाँ खाने वाला खाएंगे, पीने वाले पियेंगे। अच्छा, मतलब सारा प्रोग्राम लेके आए, घर से सब प्रोग्राम साथ लेके आए। छोटा सा स्विमिंग पूल देख सकते हैं आप, छोटे बच्चों के लिए। बाकी दोस्तों पत्थर तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा संभल के ही चलें। सो बाकी मैं आपको बता दूं, जो यहाँ की खूबसूरती है उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते अपन। मीन्स जब आप जाते हो, आपको झरना गिरने की आवाज़ जो आती है ना, वो इतनी सुकून देती है कि आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना अच्छा लगेगा वहाँ। तो दोस्तों जो भी हमारा प्रोग्राम था वो हमने कर लिया, मीन्स नाना दोना मस्ती जो भी था वो हम सब कर चुके थे। और नाउ इट्स टाइम टू गो होम। सो अब हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, फिर कभी देखेंगे, फिर ज़रूर आएंगे यहाँ सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पे। सो बने रहें वीडियो में, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें।